स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, किसी का सपना नहीं होता है कि मैथ में पूरा 100 में से 100 आ जाए। जी हाँ दोस्तों, सभी का सपना होता है कि मैथ में 100 में 100 आए, और बिल्कुल ये होता भी है अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लो। जी हाँ, इस वीडियो में लोग यही बात करने वाले हैं। आप लोगों का जो सिलेबस है मैथ में क्लास 9 का, जो अभी कुछ दिनों में टर्म 2 एग्जाम होने वाला है, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा और क्या क्या नहीं पूछा है, आप लोग एक्सरसाइज के साथ क्वेश्चंस के साथ मैं दिखाऊंगा कि ये चीज़ आप लोग का नहीं आने वाला है, इसको मत पढ़ो, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। और मैं सिलेबस तो वीडियो बना दिया हूँ पहले, लेकिन मैथ के लिए स्पेशल है, क्योंकि मैथ यार कुछ स्पेशल ही है। इसमें आप लोग बिल्कुल 100 में 100 फोड़ सकते हो। 50 का एग्जाम हो चुका है जो कि ऑब्जेक्टिव हुआ, और 50 का एग्जाम होने वाला है जो कि सब्जेक्टिव होगा अगले कुछ दिनों में, यानी कि 16 तारीख से शुरू होने वाला जो। तो चलिए देख लेते हैं और ध्यान से देखिए, और बस इतना ही पढ़ना है। जो मैं कह रहा हूँ उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। यहाँ पर जो मैं आप लोग दिखा दे रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ देखो, ये जो कह रहा हूँ ये सब आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले वृत्त से बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों का टर्म 1 टर्म 2 दो पार्ट में एग्जाम हो रहा है। टर्म 1 वाला हो चुका है, उसको मैं नहीं देखूंगा। टर्म 2 में सबसे पहला चैप्टर आता है वृत्त, ठीक है। हाँ, इससे पहले भी दोस्तों आप लोग आता है चतुर्भुज आता है, ठीक है। चतुर्भुज आप लोग का पूछा नहीं, चतुर्भुज आप लोग का पूरा चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 पूरा पूछा जाएगा। उसमें कोई भी रिड्यूस नहीं हुआ है। रिड्यूस किस में हुआ है? चैप्टर नंबर 10 यानी कि वृत्त में। तो वृत्त में क्या देखिए, 10.2 जो टॉपिक है, इस टॉपिक से सवाल नहीं आएगा। और आगे देखो क्या है, उस टॉपिक से नहीं आएगा, यानी कि आप कह सकते हो कि जो 10.1 एक्सरसाइज है, इससे आप लोगों का सवाल नहीं पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, 10.5 टॉपिक से जो है ये वाला तीन बिंदुओं से जाने वाला वृत्त, इससे संबंधित सवाल नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। 10.5 से नहीं आएगा, यानी कि आप लोग जो प्रमेय है, ये वाला प्रमेय, 10.5 प्रमेय आप लोग को नहीं पढ़ना है। ये आप लोग एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। आगे जो 10.5 के छोड़ के जो भी प्रमेय है, उससे सवाल आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। और हाँ, 10.5 हो गया, और ये टॉपिक भी देख लो, ये जो मैं बताया 10.1 से सवाल नहीं आएगा, और उससे संबंधित टॉपिक जो है ये 10.2 टॉपिक, इससे सवाल नहीं आएगा। चलिए अब वृत्त के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वृत्त के बाद आप लोग का है 12वां चैप्टर, जो कि हिरोन का सूत्र है। 12.3 जो टॉपिक है, चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हिरोन के सूत्र का अनुप्रयोग, इससे सवाल नहीं पूछा जाने वाला है। यानी कि आप कह सकते हो कि आप लोग का जो एक्सरसाइज 12.2 है, बिल्कुल भी पूछा नहीं जाएगा, एक भी सवाल इसमें से नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करके माइनस कर दो, समझ गए, एक भी सवाल इससे नहीं पूछेगा। आप लोग को सिर्फ पढ़ना 12.1, और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। आगे देखो क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये चैप्टर पूरा पूरी रिड्यूस हो चुका है, एक भी सवाल इससे नहीं पूछेगा। अब पूछोगे सर आप तो सिर्फ बता रहे हो कि आप नहीं पढ़ना है, पढ़ने वाला कौन बताएगा? तो दोस्तों आप लोग टर्म 2 का सिलेबस मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसको आप लोग देख लेना। ये जो बता रहा हूँ इसको नहीं पढ़ना है, मतलब बाकी सारे पढ़ना है। जैसे मैंने यहाँ बताया कि 12.2 जो है नहीं पढ़ना है, मतलब क्या 12.1 पढ़ना है, ठीक है। जैसे वृत्त वाला भी बता दिया, जो जो एक्सरसाइज नहीं पढ़ना था, बाकी सब जो है उसको पढ़ना है। मेन रिड्यूस जो है उसको देख लो, ताकि उसको आप लोग पढ़ो नहीं। आगे देखो 13 का, तो 14.1 यानी कि जो आप लोग का सांख्यिकी चैप्टर है, 14.1 टॉपिक जो है भूमिका है, इससे देखो। और ये वाला हाँ 14.2, इस टॉपिक से संबंधित सवाल नहीं आने वाला है। यानी कि हम लोग कहेंगे क्या कि आप लोग का जो चैप्टर 14.1 है एक्सरसाइज, इससे सवाल बिल्कुल नहीं आएगा, समझ गए। आगे देखो, अब हम लोग का बारी है 14.4 का। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 14.4 जो है आप लोग का नहीं आने वाला है, और इससे संबंधित एक लंबा चौड़ा चैप्टर जो है आप लोग का नहीं आएगा। यानी कि कह सकते हो 14.3 आप लोग एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इसके अलावा जो चैप्टर है 14.4, 14.2, ये सारे सवाल उसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था आप लोग का सिलेबस, समझ गए, और इसी से संबंधित सवाल आएंगे। तो जल्दी से फटाफट सबको शेयर कर दो। और यार क्लास चाहते हो, मैं बता रहा हूँ, अगर मैथ का क्लास आप लोग बोर्ड पे चाहते हो तो यार शेयर होना चाहिए। एक एक बंदा कम से कम 10 विद्यार्थियों को शेयर, क्योंकि देखिए पढ़ने वाले मिलने चाहिए, तो मैं क्लास देने में कोई कमी नहीं हुई। जिस प्रकार 10th में आया था बाढ़, उस प्रकार आप लोग का भी बाढ़ ला दूंगा क्लास का। बस आप लोग शेयर रुकना नहीं चाहिए, हर एक दोस्तों को शेयर कर दो। फटाफट से चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।